हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लोचन कश्यप स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट और लॉस को परसेंट में निकालना बताऊंगी। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बताऊंगी आज की वीडियो में। तो पिछले जो मेरी वीडियोस थी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर थी, तो अगर आपने वो वीडियोज मैंने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वो तीनों वीडियोज जरूर देखना। तीनों लिंक में डाल दिए डिस्क्रिप्शन में। तो तीनों वीडियोज में मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे और वर्ड प्रॉब्लम और कुछ सम्स बताए थे प्रॉफिट और लॉस के, है ना, प्रॉफिट और लॉस निकालने के। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्रॉफिट और लॉस तो निकालना बताऊंगी, लेकिन परसेंट में निकाल उसको परसेंट में कैसे निकालते हैं ये भी बताऊंगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। हमें अगर इसमें प्रॉफिट हुआ है तो हमें प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, अगर इसमें लॉस हुआ है तो लॉस को परसेंट में निकालना है। तो हमारा जो फर्स्ट सम है वो है एस पी इज इक्वल टू रुपीज़ 2400 और सी पी इज इक्वल टू रुपीज़ 2600। यानी कि सी पी वो होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस हम खरीदते हैं, खरीदना कॉस्ट प्राइस होता है। तो उसने 2600 में खरीदा और 2400 में बेचा, सेलिंग प्राइस मतलब बेचना। तो उसने ज़्यादा में खरीद लिया और कम में बेच दिया, है ना, तो इसमें क्या हुआ, उसको प्रॉफिट तो नहीं हुआ, उसे हुआ लॉस। तो उसे कितने का लॉस हुआ ये हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें कितने का लॉस हुआ ये निकालेंगे। निकालने के बाद फिर जो फॉर्मूला होगा वो लगाएंगे, फिर उसको ना हम डिवाइड करके वैसे आंसर निकाल। तो लॉस को हम परसेंट में निकालेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पे सी पी है रुपीज 2600, यानी कि कॉस्ट प्राइस। एस पी यानी कि सेलिंग प्राइस है हमारा रुपीज 2400। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लॉस निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस। लॉस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, सी पी कॉस्ट प्राइस को हम सी पी से डिनोट करते हैं और सेलिंग प्राइस को हम एस पी से डिनोट करते हैं और प्रॉफिट को हम पी से डिनोट करेंगे। तो अब जब हम लॉस निकालते हैं, तो मैंने फॉर्मूला आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो आप वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से जरूर जाके देख लेना। और इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ, तो लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी। तो यहाँ पे लॉस इज इक्वल टू सी पी क्या है हमारा 2600 और हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि 2400 है। तो जब हमने इसे माइनस कर दिया तो हमारा आया ₹200। तो ये तो हमारा तो लॉस तो आया हमारा 200। अब हमें ये तो हमारा ऐसे ही आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, परसेंट में निकालना है। तो यहाँ पे हमने लॉस बिना मतलब परसेंट का थोड़ी निकाला, अभी हम परसेंट में निकालेंगे ना। तो परसेंट हमें परसेंट का फॉर्मूला बताऊंगी अभी मैं आपको। तो जब हम लॉस को परसेंट में निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में सी पी एन की कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि जब परसेंट में निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई 100 से ही करते हैं। तो अब यहाँ पे लॉस हमने ये निकाला तो 200 आया, कॉस्ट प्राइस यानी कि 2600 और मल्टीप्लाई 100। तो मैं मेरा ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा सा है तो मैं इधर बताऊँगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 200 अपॉन में लॉस परसेंट इज इक्वल टू 200 यानी कि आ गया हमारा लॉस और यहाँ पे सी पी यानी कि 2600 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो जितनी जीरो है उतनी जीरो से काट दो, दो जीरो से दो जीरो करके। अब ऊपर नीचे काटते हैं, कभी सामने सामने काटते हैं। 2 × 2 = 6 × 2 = 100। लॉस परसेंट इज इक्वल टू 100 अपॉन में 13। अब ये ना वैसे तो कटने नहीं वाला, तो ये जब कटेगा तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो हम 13 की टेबल लेते हैं डायरेक्ट। 13 × 13 = 13 × 7 = 91। तो 91 में कितना बचा, 9 बचा। तो 9 बचा, अब 9 तो कटेगा नहीं,
तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे तो वो 90 बन जाएगा, 90 फिर 6 लेंगे 78, तो 78 आया, तो 78 में से जब हमने 90 को माइनस कर दिया तो हमारा बचा, तो हमारा 12 बचा। अब पॉइंट लगा हुआ है तो हम जीरो उतार लेंगे यानी कि 120 हो जाएगा, तो 9 से 17। अब ये डिवाइड तो लंबी चली जाएगी ना, तो हम यहाँ पे आंसर स्टॉप कर देंगे, तो 7.69% इसका आंसर आया, तो 7.69 हमारा लॉस है, लॉस परसेंट है हमारा 7.69%, यानी कि हम उसको 7.69% लॉस हुआ है। तो सेकेंड सम हमारा SP ₹2000 और CP हमारा ₹1350। तो इसमें कम में इसने खरीदी, क्योंकि 1350 तो 2000 तो छोटा है ना, तो उसने कम में खरीदी और ज़्यादा में बेच दी, तो इसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अब कितने का प्रॉफिट हुआ, ये परसेंट में निकाल रहे हैं। तो हमारा CP है ₹1350 और SP यानी कि सेविंग प्राइस है हमारा ₹2000। तो इसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे कि इसे कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। जब लॉस निकालते हैं तो CP माइनस SP हो जाता है, यानी कि उसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से कमी तो माइनस होता है। तो हमने जब इसे हम यहाँ पे 2000 को 1350 से माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा, तो 2000 में से 1350 माइनस कर दिया तो हमारा आएगा ₹650। तो ये हमारा इस इतने का उसको प्रॉफिट हुआ है, ये परसेंट में थोड़ी निकला है, हमें क्या नहीं करना है, परसेंट में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला जानते हैं परसेंट में निकालने का। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन ने सीपी मल्टीप्लाई 100। सेम वही पिछले सम वाला फॉर्मूला है, उसमें प्रॉफिट है, उस इसमें प्रॉफिट निकालना है, उसमें लॉस निकालना, तो एल और पी बस इतना तो फर्क है। तो यहाँ सेम ही है फॉर्मूला। इसके बाद प्रॉफिट परसेंट यानी कि तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए तो हम प्रॉफिट हमारा क्या निकला है, 650 अपॉन में कितना था, हाँ CP 31 1350 मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, दो दो जीरो होती तो दो जीरो काट देते। इसके बाद 5 5 2 10, हाँ तो 5 7 35 5 2 10 3, तो 650 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अभी कटेगा नहीं, तो हमने इसे मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया 1300। इसके बाद रुपीज 1300 अपॉन में 27, तो अब हम इसे काट देंगे, तो हम इसे काट देंगे 9 से काट देंगे, 9 3 27 9 9, इसमें बचा 4, तो ये बन गया 40, 9 4 9 4 36, फिर यहाँ पे 36 है ना बचा, तो फिर हमने काट दिया तो 4 बचा, फिर 40 हो गया, तो 36 4 36 9 4 36, फिर 4 बचा, लेकिन अब 4 बचा वो तो कटेगा नहीं, 9 तो बड़ा है 4 से, हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद फिर 40 हुआ तो 4 36, अब 4 4 ही चलता रहेगा आगे, तो हम यहाँ पे काट देंगे 3 से, 3 1 3 3 1 3
3 4 10 फिर यहाँ 2 बचे 8 24 3 8 24 फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया क्योंकि तो पूरा पूरा कर लिया था। अब 4 तो कटेगा नहीं, तो 4 1 3 1 3 उसके बाद फिर यहाँ पे 4 बचा 1 1 14 बचा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 12 फिर ये तो बढ़ता चला जाएगा, उसकी डिवाइड बढ़ती चली जाएगी तो हमें पॉइंट वाइज जब 2 डिजिट आ जाती है तो ये स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं जाता है 3 14 मतलब कितनी बड़ी। तो हमारा जो आंसर आया वो है 48.14%। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसको हुआ है 48.14% उसका प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी नई वीडियो जो भी मैं डालती हूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो ताकि आप भी सीखो और आपके फ्रेंड्स भी सीख जाएँ जो मैं सिखाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।